हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल ब्लॉग में। तो देखिए, शाम का समय है। तो जी, आज ना हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया सिमरन और पिंकी दीदी ने और बड़े बड़े वाले भाई साहब जी ने। तो जी, आज ना मैं अचानक आए हैं, हमें नहीं पता था कि आने वाले हैं। वैसे तो ये बोल रही थी सिमरन की आज सरप्राइज देंगे। सिमरन का बहुत मन था कि मामा जी के यहाँ घूम गए, और सृष्टि का तो हमारा पहली बार है मामा जी के यहाँ घूमने के लिए आना। तो देखिए जी, सृष्टि आ गई अपनी नानी जी की गोद में। नानी जी तो गई थी बस 5 मिनट के लिए। क्या बोल रही, ना मेरा तो मन भरा नहीं, मैं तो खेल गांगी हुई थी भाई। ये देखिए सृष्टि, ओ भाई रे, गर्मी लग रही माँ, चलो ऊपर लेकर चल ले। तो जी है, चलो तो छत पे चलो लेके चाय पियो पहले, जब तक हम करते हैं खाने की तैयारी। क्या बात हो रहा चिंकीस की? ये रो है अंदर जबती सार। तो सृष्टि को ना मन जाना अजीब सा लग रहा है यहाँ से, घर घर में है। और ये बाहर घूमना चाह रही है, बाहर घूमना चाह रही। तो ये इतना बड़ा आंगन है, इसमें घुमा लो भाई, हवा चल रही है तो बहुत ठंडी। बहुत अच्छी हवा चल रही है, फर्स्ट टाइम है आज नाना जी के घर इसका। हाँ, और नंदनी, नंदू, व्हाइट फ्लावर तोड़ दिया, किसे देते व्हाइट फ्लावर है? हाँ, यो क्या है, कैसे क्या करोगे? बेबी को दोगे व्हाइट फ्लावर? काले पेले, ये तो तेरे जैसे ही है, काली पेली का है। सेम सेम कलर के कपड़े हो रहे, नहीं मुंह में दे लेगी बेटा ना। और तो सारे बच्चे ना खेलने लगे, देखो अति आप जीतोगे अभी ना बेटा, गर्मी हो रही बहुत, तो सो रही, देखो हवा तो चल रही पर तो सो रही। तो सारे बच्चे ना अपने खेल में लग गए। तो चलिए जी, बहुत हंगारे दे रही, बात कर रही, देखो कैसे आवाज लगा रही चाचा जी को हर बात में। कैसे कह रही सृष्टि, बात कर रही अपने नाना जी से, पहली बार मिली ना है भाई, पहली बार मिली छोटे वाले नाना जी से भी, बड़े वाले नाना जी से भी। इवनिंग के जो है खाने से पहले के जो लगभग है सारे काम निपट चुके हैं, क्योंकि आज है बुधवार, कल है बृहस्पतिवार। तो जो कपड़े हुए हुए थे वे भी मैंने धो दिए दिन छिपने से पहले। तो जी, अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। लेकिन चूल्हा मैंने जला दिया, चूल्हे पर रख दिया है दूध पकने के लिए, और खाने में बनाएंगे। माँ बोल रही है कि आलू बनाए हुए बहुत दिन हो गए। तो जी, आलू, टमाटर और मटर, भाई साहब लाए थे कल सफल मटर। तो जी, लाए तो थे पनीर के लिए, तो थोड़ी सी पनीर में डाली और कुछ बचा ली, तो उनको डालेंगे आलू की सब्जी में। आलू टमाटर मटर की सब्जी काफ़ी दिनों बाद बनेगी, तो चलिए बनाते हैं। कावड़ यात्रा कंप्लीट होने के पूरी होने के बाद सब्जियां भी अवेलेबल होने लगी है, क्योंकि जो है सप्लाई बंद हो रही थी। ऐसे बोली नंदनी, हाँ और क्या बेटा, कावड़नी तो और क्या बोलते हैं, स्कूल स्कूल आपके कावड़ से बाद में ही तो खुले है। और स्कूल में तो हम भी तो यही कह रहे हैं, स्कूल में गए थे आप, मैं तो ये बोल रही कि कावड़ यात्रा खत्म होने के बाद सब्जियों की सप्लाई भी शुरू हो गई है। तो जी, सब्जी अब अपने बजट में आ गई है। बजट में तो देखिए महंगी हो सस्ती हो खानी पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी अवेलेबल होने की भी बात है, दुकानों पे मिल नहीं रही थी। तो जी, अब सप्लाई शुरू हो गई है, तो दुकानों पे भी आने शुरू हो गई है। तो जी, थोड़ी महंगी भी खाई जाती है, देखिए खाना तो छोटा नहीं जाता। तो इसके दिमाग में तो बस स्कूल फिट हो गए, बोली दुकान में नहीं ना कावड़ में, बस स्कूल में। तो जी, सब्जी की तैयारी मैंने कर ली है, तो सब्जी छोक के पहले करूंगी संध्या पूजा, उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। तो जी, जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक मैं पूजा कर लूंगी। और चूल्हा मैंने जला दिया, चूल्हे पे मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए। आलू, टमाटर, मटर ये सब तैयार है, तो चलिए पहले बना लेते हैं सब्जी। तो जी, इधर दूध पक लिया है हमारा लगभग, जब तक दूध में उबाल अच्छी तरीके से आएगा तब तक पहले इस पर लगा लेते हैं मिट्टी, क्योंकि कुकर जो है ना गैस पे भी चलता है और चूल्हे पे भी, तो ये साफ़ हो जाता है फिर आसानी से धुआं जो इस पर, क्योंकि मिट्टी लगाने से ना कुकर आसानी से साफ़ हो जाता है, क्योंकि तो साफ़ सुथरा ही चाहिए। तो जी, इधर दूध हमारा पक गया है, देखिए इसको उतार देते हैं।
छोटे उस पकड़ लिए और इस पे रख देते हैं कुकर चूल्हे पर। सारी तैयारी कर ली है, आलू काट लिए है, टमाटर हरी मिर्च काट ली है और ये देखिए मटर। तो जी ये तो मत बोलिए, थोड़ी सी है क्योंकि समय के अनुसार चलना पड़ता है। जब मटर की सीजन आती है ना तो तब खाई भी पूरी जाती है, लेकिन इस टाइम जो है सिर्फ टेस्ट के लिए, ताकि आलू और टमाटर में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाए इसलिए डाल रहे हैं। तो जी सफल मटर ना जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो इनका यूज़ जल्दी कर लेना चाहिए। तो जी इसी वजह से इन्हें माँ बोल दी कि सब्जी में डालो, अच्छी लगेगी। और जी इधर हमारा कुकर भी गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं तेल। नमस्ते जी। और जी इसमें डाल देते हैं जीरा। अब डाल देते हैं टमाटर। अब डाल दिया हमने टमाटर और हरी मिर्च। तेज से बोलो थोड़ा। क्या और कितनी तेज बोलूं? अब डाल दिया हमने टमाटर और हरी मिर्च। अब डालेंगे इसमें मसाले, नमक, थोड़ी सी मिर्च कलर के लिए, क्योंकि पहले ही हरी मिर्च डाल दी है हमने, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर जो है आज हमारा ख़त्म हो रहा, तो सुखाया था उसे पीसेंगे। अब थोड़ी सी डाल देंगे हम कसूरी मेथी। अब डालते हैं इसमें मटर। और अब डाल देते हैं आलू। सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज, क्योंकि बोली सबसे मेन चीज, क्योंकि ये फेवरेट। और अब तो वैसे भी आपने मटर डाल दिया। ज़्यादा पतले ना बनाइयो। तो जी सब्जी हमने छोक दी है, जब तक सब्जी बनेगी तब तक हम कर लेते हैं संध्या पूजा। तो जी कान्हा जी अभी मंदिर से बाहर बैठे थे, इनको बैठा लेते हैं मंदिर के अंदर और फिर करेंगे पूजा, दिया लगाएंगे और आरती करेंगे। राधे राधे कान्हा जी, आइए मंदिर में बैठिए, पूजा करेंगे अब जा। तो जी संध्या पूजा हमारी हो चुकी है, अब सेकेंगे हम रोटियाँ। ये देखिए इधर ना सारे बच्चे, ये देखो इधर गुड्डू है सोफे पे, इधर चिंकी बैठी है, इधर आरुष, आरुषि और इधर नंदनी टीवी देख रहे सारे के सारे, और इधर कर रहे खाने का इंतजार। तो मैं नंदनी से बोल रही मगर बेटा सो लेट है ना, नींद आ जाएगी टीवी देखते देखते, बुक भी सो जाएगी। दो दिन से इसके साथ ऐसा ही हो रहा, सारा दिन तो सोती नहीं स्कूल में कहा गया, और इस टाइम सो जाओ बेटा, खाना खा के सो ना। ठीक है बेटा, ठीक है मम्मी, ओके ओके।
तक मैंने पूजा की ना तब तक दीदी ने आटा बना दिया देखो इधर और सब्जी भी बनकर तैयार होगी। मगर मिर्चों की जड़ भी खत्म हो जाएगी। अपनी माँ मैं कह रही थी मगर दिक्कत भारी हो जाएगी अगर कहीं भी लगी मिर्च के हाथ किसी बच्चे के मुंह पे फेर दिए ना जड़ कर देंगे बहुत देर से मिर्च ही छा रहे हम तो। तो जी मिर्चे ही मिर्चे हो रखी है सब्जी तो है नहीं इतनी पर मिर्चे ही मिर्चे हो रखी इधर माँ ना मिर्चे तैयार कर रही अचार के लिए क्योंकि ज्यादा मिर्चे जल्दी खराब हो जाएगी ना तो इसी वजह से माँ बोल रही थी कि इनका ना अचार डाल लेंगे तो उससे ना ये सुबह शाम जिसे भी खाने के साथ खानी हो जो मिर्ची का फैन है इस मौसम में सभी को टेस्टी लगे मिर्ची तो जी मिर्चों का अचार डाल लेंगे इसमें। तो देखो माँ ने कितनी सारी पास कर दी और इतनी ये रह रही तो जी कल डाल लेगी दीदी इसका अचार। चलो जी हम सेकते हैं रोटियां और मिलते हैं आपसे बाद में। तो जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सबको हमारी राम राम राधे राधे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।